नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में सियासी हलचल से राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ चुका है। आए दिन लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं, यानी सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार में बढ़ते अपराध और महंगाई को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ऐसे बीच नीतीश कुमार, दूसरी ओर की बात करें सीएम नीतीश कुमार की, तो सीएम नीतीश कुमार भी बिहार में अधिकारियों को हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी बिहार की सियासी जो है वो गरमाई हुई है। आपको बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार काम को तेजी से कराने के लिए अधिकारियों के आगे इस तरह का कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पर बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, तो बीजेपी ने जवाब भी दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आज कल कहीं जा रहे हैं तो वहां के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। कभी वो अधिकारियों का पैर पकड़ने लगते हैं तो कभी प्रधानमंत्री का पैर पकड़ने लगते हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भयभीत क्यों दिख रहे हैं? इस तरह का आचरण चिंता का विषय है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के 14 करोड़ जनता का भविष्य उनके हाथ में है और इस तरह से वो गड़बड़ा गए हैं तो जनता सोचने के लिए मजबूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के बहुत बड़े लीडरों में से एक हैं, इस तरह से उनके अधिकारियों का पैर पकड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी, पदाधिकारी और लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर बचाव किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि यह तो हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि किसी को आप कुछ कहते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं। नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को अच्छा काम करने के लिए निर्देश दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने कार्य में तेजी लाने के लिए इस तरह की है। उन्होंने कहा कि मैं भी वहां पर मौजूद था, ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ काम से वह असंतुष्ट हुए थे इसलिए उन्होंने काम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। बता दें कि बुधवार 10 जुलाई को गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट के पथांश का उद्घाटन होना था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। निर्माण कार्य में देरी को लेकर नीतीश कुमार प्रोजेक्ट इंजीनियर के आगे हाथ जोड़ने लगे, वह सीट से पैर छूने के लिए भी उठ गए थे। इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार का एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि कल जिस तरीके से आए दिन कोई भी सभा को संबोधित कर रहे हैं या कल पथ निर्माण में गए थे, जब लोकार्पण करने के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पैर छूने के लिए अपने सीट से खड़े हो गए, इसको लेकर भी बिहार की सियासी पारा बढ़ चुका है। लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि, यानी कि आरजेडी की तरफ से कहना ये है कि नीतीश कुमार को ये करते हुए शोभा नहीं देता क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके के नीतीश कुमार का अधिकारियों और पदाधिकारियों के सामने हाथ जोड़ना, खड़े होकर पैर छूने के लिए खड़े हो जाना, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं से भी कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी जवाब दिया है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता में है कि हम किसी को आदेश देते हैं तो अभिवादन करते हुए देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।